एलानेट चुनाव न्यूज 18 पर देख रहे हैं ये मेगा कवरेज। अब से थोड़ी देर के बाद डेढ़ घंटे का इंतजार आप कह सकते हैं, जिसके बाद आप जान लेंगे कि कितने चरणों में मतदान होने जा रहा है, क्या तारीखें हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कब किस चरण में मतदान होने जा रहा है, क्योंकि बेसब्री से देशवासी इंतजार कर रहे हैं 3 बजने का, जिसके बाद उनको ये पता लग जाएगा कि उनका मतदान कब होगा, कितने चरणों में देश में मतदान होने वाले हैं, ये अब से थोड़ी देर के बाद आप जान लेंगे। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक 3 बजे होगी शुरू। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं इसी पर मेगा कवरेज चुनावी तारीखों के ऐलान से जुड़ी हुई। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले लगातार न्यूज 18 पर मेगा कवरेज आप देख रहे हैं, और इसमें लगातार आपको हम जनता का रिएक्शन भी दिखा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों की कैसी तैयारी है वो भी आपको दिखा रहे हैं। और पीएम मोदी ने भारत मेरा परिवार कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री ने शेयर किया। वीडियो को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, मेरा भारत मेरा परिवार। खास बात यह है कि आज ही के दिन 2019 में चुनाव से ठीक पहले चौकीदार कैंपेन लॉन्च किया गया था। तो इस बार 2024 के लिए भी पीएम मोदी ने आज यानी कि 16 मार्च का दिन ही चुना है। देखिए, मेरे दिल के घर में वो रहता, मेरी फिक्र हमेशा करता है, दुख दर्द मेरा समझे वो, मेरी खुशी में शामिल रहता है। वो नहीं अकेला खड़ा यहाँ, मैं उसका संसार हूँ। मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ। कांधे पे रख के हाथ मेरे, मुझको वो समझाता है, वो देता हर पल साथ मेरा, मेरा हौसला बढ़ाता है। परवाह उसे है मेरी, मैं उसका पहरेदार हूँ। मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ। तो मैं मोदी का परिवार हूँ आप सुन रहे थे, और अब देखिए जिस तरह की लहर चल रही है, अब उस लहर को देखकर आप कह सकते हैं, ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं ये कि जिस तरह से पिछली बार 2019 में बंपर जीत दर्ज की थी बीजेपी ने, एनडीए ने, वैसी ही बंपर जीत या फिर उससे भी ज्यादा वोट मिलते हुए बंपर जीत जो है एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है, कांग्रेस की तरफ जाना चाहेंगे यहां से। प्रियंका जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है। प्रियंका जी देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जो है, जिन्होंने जगह जगह जाकर लोगों के बीच उतरकर उनसे संवाद करके ये जानने की कोशिश की है कि भाई इस बार का चुनाव जो है वो हकीकत में सच्चाई से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं कि मोदी जी का जो चुनाव होता है वो सच्चाई से परे होता है, इस बार क्या ऐसा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? कितनी उम्मीदें आपको लग रही है पिछली बार से इस बार के बेहतर प्रदर्शन की? प्रियंका जी देखिए, इस बार बेहतर प्रदर्शन इसलिए होगा क्योंकि मोदी जी का जो भ्रष्टाचार है वो खुलकर सामने आ गया। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? सिर्फ चंदा वसूलने के लिए एक वसूली का माध्यम बन के रह गए। आप ईडी सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट को देखिए कि पहले रेट डालते हैं, फिर चंदा वसूलते हैं, और फिर उनको काम जो है चंदे के बदले धंधा भी देते हैं। तो हकीकत ये है कि इस बार मोदी जी का भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ गया। किस तरह से पाकिस्तान तक से चंदा लिया जाता है और उसके बाद राष्ट्रवाद के बड़े बड़े जो है पाठ पढ़ाए जाते हैं। और मुझे तो लगता है कि पीएम केयर फंड की भी जांच होनी चाहिए, उससे भी दूध का दूर और पानी का पानी हो जाएगा कि भ्रष्टाचार जड़ों में व्याप्त है भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा प्रियंका जी, परिवारवाद को लेकर, जिसे लेकर कांग्रेस पर हमेशा निशाना बीजेपी की ओर से साधा जाता था, परिवारवाद को लेकर बात की जाती थी, तो जब परिवार मोदी के परिवार को लेकर सवाल उठाए तो एक कैंपेन चला दिया गया। ट्विटर पर हमने देखा, सोशल मीडिया साइट एक्स पर हमने देखा किस तरह से लोगों ने अपने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लगा लिया। इसमें बहुत सारे बीजेपी के नेता भी थे। इस कैंपेन को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पहले मैं हूं चौकीदार चला था और अब मोदी का परिवार, क्या आपने एक वजह दे दी एक नए कैंपेन को चलाने की, और जिसमें माहिर है बीजेपी?
देखिए ब्रजभूषण भी इनका परिवार है, टैनी भी इनका परिवार है, और परिवार इनका जो रावत जो है वो भी जो बाराबंकी के कैंडिडेट थे जिन्हें उनको इन्होंने टिकट दिया। तो देखिए परिवार तो इनके बहुत सारे होंगे जो भ्रष्टाचारी भी होंगे, और आप बताइए हेमंत जैसे, हेमंत विश्व शर्मा जैसे भ्रष्टाचारी जिन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट है वो भी इनका परिवार है। इनका परिवार तो अजीब परिवार भी है जिन्होंने कहा मंच पे खड़े होकर कि ये भ्रष्टाचारी है। आप बताइए छगन भुजबल जैसे लोगों की फाइलें गायब है ईडी से, तो वो भी तो इनका परिवार है। देखिए इनकी वॉशिंग मशीन में जो धुलकर आ जाए वो इनका परिवार हो जाए, बाकी सब जो है ना दूसरा जो है दूसरे लोग हो गए। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चंदा लेकर धंधे का काम किया है वो आज इस देश के सामने, इस देश के युवा परेशान है कि किस तरह से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से नौकरियां नहीं निकल जी रही हैं, पद खाली पड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है 30 लाख सरकारी नौकरी देने के लिए और इनके पास कोई ठीक है एजेंडा नहीं प्रियंका है। जी, बिल्कुल प्रियंका जी, आपके अपनी बातें अपने तर्क हैं, और अब देखिए अब ये देखना होगा कि क्या इन बातों को ध्यान में रख के जनता वोट देती है। लौटेंगे आपके पास, हम चलेंगे भारती सकलानी के पास, हमारी सहयोगी इस समय हमारे साथ देहरादून से लाइव मौजूद है। भारती सकलानी, आपके आसपास काफी लोग हैं, 5ों सीटों का ऐलान कर दिया गया है, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। उत्तराखंड में 3 पुराने चेहरे हैं, 2 नए चेहरे इस बार मैदान में उतारे गए हैं, लेकिन जीत ओपिनियन पोल में 5ों की पक्की आ रही है। आपके आसपास जो लोग हैं उनसे बातचीत करिए, बताइए कि कितनी उत्सुकता, अब कितना इंतजार अब वो करना बड़ा समझ रहे हैं जो अब से थोड़ी देर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है।